हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं बिनसर महादेव मंदिर, जो कि भतरोज खान से थोड़ा आगे पड़ता है, सोनी के पास, और मेरे ससुराल के नज़दीक है। तो ससुराल तो आई थी, तो हमने सोचा बिनसर महादेव मंदिर भी घूम आए। ये है मेरी भतीजी चित्रा, तो ये भी देखो रेडी हो गई है, क्यूट सी लग रही है एकदम मानवी। और ये है चित्रा, ये दोनों हैं बहने और मेरी भतीजियाँ। तो ये भी रेडी हो गई हैं बिनसर महादेव मंदिर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? बिनसर महादेव मंदिर। हाँ, हमारा लड्डू गोपाल, हमारा ब्लॉगिंग है गाइस धंधा। ये हमारे चाचा जी, ये भी रेडी हो चुके हैं। अरे वाह, चित्रू भी रेडी हो चुकी है। कहाँ जाने के लिए चित्रू? चित्रा कहाँ जा रही है? वेयर आर यू गोइंग? पानी के बोतल। ये आ गई है इनकी मम्मी रेडी होकर के। तुझे बनाने का मेरा फोन है। ओए हो गया तो चार्ज निकाल दिया है। ये मौसम निकाला था तरीके क्या चार्ज करने के लिए क्या चीज़? अरे अपना फोन चार्ज करने के लिए। चाची कुछ कह रही थी क्योंकि चाचा का फोन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे कॉल आए हैं। परफ्यूम कितना आ रहा है, सब चढ़ रही है। बस 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 तो गाइस फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं। डंपा इधर देख, ऐसे बोलो हाय से हाय। ये हमारी चिंटू रानी सो गई थी गाड़ी में। किट्टू, ये मेरा लड्डू गोपाल। गाइस बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है आज, क्योंकि आज भागवत का लास्ट डे है। तो देखो, आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में कितनी सारी यहाँ से गाड़ियाँ शुरू हैं और उस वाली रोड पे भी हैं। पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे गाड़ियों को, कह रहे हैं पैसेंजर्स को यहीं उतारो, साइड में लगाओ, क्योंकि आगे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो हम अब यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे आगे को। गाइस मेले में काफी सारे लोग मिलने भी लग गए अपने यहाँ के, और सबसे नमस्कार वगैरह। ये देखिए जंगलों के बीच में लगी हुई है दुकानें। तो गाइस जब हम छोटे थे ना, हमारे यहाँ पे भी एक मानिला मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। मैं आपको नेक्स्ट वीक व्लॉग में वहीं लेके जाने वाली हूँ। तो वहाँ पे जब मेला लगता था तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम वहाँ पे आइसक्रीम खाने जाते थे। स्पेशली 1 रुपए की आइसक्रीम मिलती थी, तो मैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, हम सब, हमारी सहेलियाँ, बच्चे ही थे सारे के सारे, तो आइसक्रीम खाने जाते थे घर से। तो गाइज ये है स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव को जाने वाला गेट। अब हम गेट में एंटर हो चुके हैं और ये बना है एकदम चीड़ और देवदार के बीचों बीच है, घना जो जंगल है उसके बीच में है मंदिर बिनसर महादेव का। देख सकते हैं कितनी पब्लिक है यहाँ पे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। भागवत है यहाँ पे, आज भागवत का लास्ट डे है ना। देखिए गाइस ये है बिनसर महादेव का मंदिर।
कैसा लगा कैप्चर करना? पूरी ले रही हूँ। 32 साल पहले तो हम 50 साल आप भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर की मान्यता कितनी। मुझे लग रहा है ये लोग यहाँ बैठने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें मंदिर के दर्शन कर लेने चाहिए थे। चलो चल के उनसे बात करते हैं। लोग जो रेस्ट करना चाह रहे हैं वो इधर आ गए हैं, और जो घूमना पसंद कर रहे हैं वो उधर घूम रहे हैं। कुछ लोग ऊपर जंगल में पेड़ों की छांव में रेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। हमारी टीम यहाँ बैठ चुकी है। हम लोग इतने सारे लोग आए हुए हैं घर से। हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। बहुत लंबी लाइन लगी है मंदिर में दर्शन की, बहुत भीड़ है, तो हमें भी लाइन पर लगना होगा। प्रसाद यहाँ नहीं मिलेगा? तो कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, मना करते थे तो सब कह रहे थे। तो गाइस अंदर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैंने आपको बाहर बाहर से दिखा दिया है कि कैसा मंदिर है। और इस मंदिर गाइस ये देखिए, ये हो रहा है भंडारा धनसर महादेव मंदिर में। अभी गाइस हमने वो जो महात्मा जी हैं मोहनगिरी महाराज जी महाराज, उनकी समाधि स्थल भी देखी, लेकिन वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाव नहीं था। कैमरा तो हमारे साथ साथ चल रहा था, बट हमने वहाँ की पिक्चर्स नहीं ली, तो रूल्स। गाइस फाइनली हम भी बैठ चुके हैं भंडारे के लिए, और ये बैठ गए हमारे बालक लोग। हम सब बैठ चुके हैं, देखिए जिन्होंने प्रसाद ले लिया वो उठ के जाने लग गए हैं बाहर को। गाइस भंडारे का प्रसाद भी हम ले चुके हैं, और अब थोड़ा मेला घूमेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद घर को चले जाएंगे। तो गाइज अब हम मंदिर के दर्शन करके अब हम मेला घूमने जा रहे हैं। गाइज मेले की भीड़ का आइडिया आप देख के लगा सकते हो, कितने सारे व्हीकल्स यहाँ पे हैं। टू व्हीलर देखो, फोर व्हीलर तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक आगे लंबी लाइन लगी हुई है। लोग आते जा रहे हैं, अब तो कुछ लोगों के जाने का रहे मामा जी बगद्वार से। मामा जी नमस्कार। ठीक छो, तुम ठीक छो? आपकी वीडियो भी बन रही है साथ साथ में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लगी है ना, कोई नहीं है मेरे साथ। गाइस ये है मेले की झलक, कितनी भीड़ भाड़। ये देखो यहाँ पे आप लंच कर सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को कपड़े लेने हैं तो यहाँ पे कपड़े भी मिल रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी मिल रहे हैं, स्टील के, पीतल के, हाँ कोल्ड ड्रिंक का भी लेंगे। हाँ किस चीज की? देखिए फ्रिज भी आए हुए हैं सेल पे। गाइस ये जो मेला है ना ये ऊपर जंगल में लग रहा है, मतलब मंदिर नीचे सड़क पर नीचे हटके है और ये जंगल में लगा हुआ है मेला पेड़ों के बीच में। सॉफ्टी अभी एक जगह बैठ के खाएंगे तसल्ली से। अभी चाचा को भी तो आने दो, एक साथ ही ले लेंगे। आज हम बिनसर आए हैं। यस पर मेला बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। चलो 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 गाइस, बच्चे झूलना चाह रहे थे मिक्की माउस पे लेकिन वो शायद है नहीं, तो आप जंपिंग जंप करेंगे यहाँ, अगर वो भी होगा। देखो बैग हैंडमेड है ये। अरे उधर धूलन में यहाँ पर तब भी शांति है। लो को क्या कह रही है गाइस, तो मेला अब समाप्ति की ओर है। सारे लोग अपने अपने घर जाने लग गए हैं और आप देख सकते हो कितने का, ये 10-10 रुपए के आ रहे हैं भैया मार्केट। गाइस ये देखिए ये रहे, हमें कंफ्यूज कर गाइस। देखिए सारी दुकानें भी अब सिमटने लग गई हैं, सब अपना अपना सामान बांधने लग गए हैं, दुकानें एकदम खाली खाली होने लग गई हैं। हमारी गाड़ी वो आगे वहाँ पे भैया ने वहीं पीछे रोक ली थी, क्योंकि मैंने सुबह पहले बताया था पुलिस वाले भैया ने हमें आने नहीं दिया, मतलब गाड़ी को नहीं आने दिया इधर, तो हम वहाँ से पैदल पैदल आए हैं। अब हम जा रहे हैं बाय फुट गाड़ी के पास तक। तो गाइस बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को बिनसर महादेव का ये कौतिक मेला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।